तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme C3 डिवाइस में फाइनली एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है C.07 का। तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है एंड गाइस जो यहां पे इस डिवाइस में जो बग था उन्हें यहाँ पे फिक्स हुआ है इस अपडेट में या फिर नहीं हुआ है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस अपडेट का करेंगे फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि गाइस जिन यूजर्स को C.07 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइस उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली Realme C3 डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है C.07 का। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को 271 MB देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि Realme C3 डिवाइस में जो C.07 का अपडेट देखने के लिए मिला है तो गाइस इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। गाइस यहां पे जो सबसे पहले चेंजेस देखने के लिए मिला है वो गाइस आपको सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल जाता है। वो है गाइस यहां पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच November 2021, यानी कि गाइस आप लोगों को एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है November 2021 का। गाइस ये काफी अच्छी बात है। अगर बात करें गाइस यहां पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में तो गाइस यहां पे जो नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला है वो गाइस कैमरा में देखने के लिए मिला है। वो है गाइस ऑप्टिमाइज द क्वालिटी ऑफ शूटिंग विद फ्लैश ऑन, यानी कि गाइस आप फ्लैश ऑन करके जब शूटिंग करते थे तो गाइस उनके क्वालिटी में ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। उसके बाद जो गाइस यहां पे नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला है वो भी गाइस कैमरा में ही देखने के लिए मिल जाता है। वो है गाइस ऑप्टिमाइज द इमेज क्वालिटी ऑफ द रियल कैमरा व्हाइल स्टार्टिंग विद थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। जी हां गाइस, तो यहां पे इमेज क्वालिटी में भी इंप्रूव्ड कर दिया गया है। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है कि आप लोगों के जो Realme C3 डिवाइस में C.07 का जो अपडेट देखने के लिए मिला है तो इस अपडेट में कैमरा में जो बग था उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो गाइस यहां पे नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है वो गाइस यहां पे सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है। वो है गाइस ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी कि गाइस ऑप्टिमाइज्ड कर दिया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड गाइस इंप्रूव्ड कर दिया गया है सिस्टम स्टेबिलिटी को। तो गाइस Realme C3 डिवाइस में जो C.07 का अपडेट देखने के लिए मिला है तो गाइस इस अपडेट में जो बग थे उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो गाइस आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके ये अपडेट को जरूर चेक करें एंड गाइस आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल गया है तो गाइस आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहां पे जो Realme C3 डिवाइस में C.07 का अपडेट देखने के लिए मिला है वो गाइस काफी अच्छा अपडेट है, क्योंकि गाइस इस अपडेट में आपके डिवाइस में जो बग थे उन्हें यहां पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस अब बात करते हैं कि जिन Realme C3 डिवाइस के यूजर्स को C.07 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइस उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब पहली बार अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस वो कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलता है, उसके बाद गाइस अपडेट को स्टे कर दिया जाता है। उसके बाद गाइस अपडेट फिर से 2 से 3 दिन बाद फिर से देखने के लिए मिलता है। गाइस अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, उसमें से भी गाइस अपडेट अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इसी वजह से आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को जरूर चेक करते रहना। गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हां इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना एंड गाइस आप ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।